आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 20 सालों तक महिलाओं की रोल मॉडल रही भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का करियर अब समाप्त हो गया है। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वो टेनिस को अलविदा कह देंगी, यानी अगले कुछ महीनों में वो आखिरी बार कोर्ट पर दिखेंगी। सानिया मिर्जा ने कहा कि अगले महीने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद 36 साल की उम्र में वो अपने करियर को अलविदा कह देंगी। चोट के कारण उनकी 2022 के रिटायरमेंट योजना में देरी हुई। यूएस ओपन में चोट की वजह से नहीं खेलने के बाद सानिया ने इसकी घोषणा की थी। भारतीय महिला टेनिस स्टार ने अपने करियर में अब तक 6 बार युगल ग्रैंड स्लैम जीते हैं और साथ ही वो डबल्स में नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर चुकी हैं। महिला सिंगल्स में 27 उनकी बेस्ट रैंकिंग है। उन्होंने ये रैंकिंग 2005 में यूएस ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने के बाद हासिल की थी। सानिया ने पहली बार 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल में कामयाबी हासिल की। सानिया को टेनिस में उनके अहम योगदान के लिए समय समय पर भारत सरकार की ओर से कई पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री अवार्ड, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2016 में पद्म भूषण अवार्ड शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।